वही बिहोल्डर फॉर द लास्ट टाइम शायद पॉड के। तो भाई आप लोग टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि अब हम यूट्यूब यूज कर रहे हैं। तो भाई लोग जस्ट किडिंग, मतलब मजाक कर रहे थे, हम यूट्यूब क्विट नहीं कर रहे हैं। मेन थिंग है कि पहले जब लॉकडाउन था, नॉर्मली जब नहीं काम घर पर बैठे रहते थे, तो हम अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स या 2 आवर्स तक आराम से गेम खेल लेते थे। लेकिन अभी करंटली में हमको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता है कि हम बैठ के अब गेम भी खेल पाए। पबजी अब ज़्यादा खेल ही नहीं पाते हम, तो मुश्किल से हम 30 मिनट्स तक खेलते हैं, नहीं तो कभी कभी तो खेलते भी नहीं हैं। तो अब हम सोच रहे हैं, मतलब जो अदर एक्टिविटीज़ हम करते हैं, बहुत कुछ करते हैं तो गेमिंग को छोड़ के, हम जैसे कि बास्केटबॉल खेलते हैं, फैक्ट्स बताते हैं, वो सब हम कंटिन्यू अब करना चाहते हैं। मतलब नए सिरे से शुरुआत करना कह सकते हैं, क्योंकि अब हम गेमिंग पे तो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, तो सही नहीं ना लगेगा कि हम 2-3 दिन में एक वीडियो अपलोड कर दें। और अब हमको उतना, मतलब कम खेलने की वजह से इंटरेस्ट भी जा रहा है, तो शायद थोड़ा समय के बाद हम ज़्यादा खेलेंगे भी नहीं, कभी कभार ही हफ्ता में 1-2 बार ही खेल पाएंगे फिर। तो इसलिए हम जो जो चीज़ अच्छा लगता है अदर्स में, वो अब हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। तो मेरा ये कहने का मतलब नहीं है कि हम गेमिंग छोड़ ही दे रहे हैं, मतलब जो वीडियोस रहेगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, मतलब कम नहीं होगा, अभी हमको तो देखना पड़ेगा क्या क्या अपलोड करना है। तो गेमिंग तो अभी थोड़ा टाइम के लिए अच्छे से हम डालेंगे, लेकिन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो सबका कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए हम पहले ही बता देते कि अभी हम आगे में करेंगे क्या, मतलब क्या क्या अपलोड करेंगे। तो गेमिंग तो रहेगा, मीम्स डालेंगे, पहले हम बस गेमिंग मीम्स डालते थे, तो अब गेमिंग पे पूरा चैनल अब बेस्ड ही नहीं है, तो हम ऐसे रिलेटिव मीम्स डाल सकते हैं, स्कूल का मीम्स डाल सकते हैं। नेक्स्ट फैक्ट्स एंड अदर में आ गया, और में हम कुछ स्पोर्ट्स के बारे में कर सकते हैं, जैसे हमको बास्केटबॉल खेलना अच्छा लगता है, तो उस पर तो अंग्रेजी वॉइस ओवर है, क्योंकि इंडिया में बास्केटबॉल ज़्यादा फेमस नहीं है, तो अंग्रेज लोग के देखने के लिए हम उसको इंग्लिश में रखेंगे। अब चैनल का नाम सहपॉड गेमिंग नहीं है, अब चैनल का नाम ब्लैक ब्लड सी है, तो नाम सुनने में बहुत ओपी लगता है, इसलिए हम डाल दिए, क्योंकि आप टीनएजर से एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हो। तो हम पहले इस नाम का थोड़ा सा मतलब डिफाइन कर देते हैं। तो ब्लैक ब्लड मतलब काला खून, इसका कोई सेंस नहीं बनता है, लेकिन सुनने में अच्छा लगता है इसलिए डाल दिए। और शी का मतलब होता है SHI, तो उसका जापानीज में मतलब होता है डेथ, तो यही मतलब है, ज़्यादा सेंस तो नहीं बनाता लेकिन सुनने में अच्छा लगता है इसलिए हम डाल दिए। जो मेरे साथ अभी खेल रहा है ना जो बंदा, वो भी बोला था कि क्या नाम रखे हो, ब्लैक ब्लड सी, उसी का मतलब क्या होता है, तो मतलब हम बता दिए, आप लोग जान लीजिए। तो इतना ही बोलना था, बाकी का आप कल से मिलेंगे नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।